हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए नजर डालते हैं आज के दिन हिंदू की मुख्य सुर्खियों पर। फ्रंट पेज पे खबर है, सीमांचल एक्सप्रेस डीरेल्स इन बिहार, 6 डेड 30 इंजर्ड। रविवार को बिहार के वैशाली जिले में सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई और 30 यात्री घायल हुए। रेल अधिकारियों द्वारा कहा गया कि इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, लेकिन डीरेलमेंट की पटरी से उतरने की वजह रेल फ्रैक्चर बताई जा रही है। अगली खबर है, पे आउट टू रॉयल्स फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ, सेज गर्ग। वित्त मंत्रालय के एक टॉप अधिकारी द्वारा यह बताया गया है कि सरकार इस महीने से ही छोटे किसानों के लिए आय सहायता योजना के अंतर्गत पर्याप्त राशि का संवितरण करेगी। शुक्रवार को अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत उन किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है। पीयूष गोयल ने इस वर्तमान वित्त वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पहले से ही 12 करोड़ किसानों में संवितरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। अगली खबर है पेज 3 पे, नवीन एड स्कॉलरशिप टू रॉयल्स स्कीम। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्कॉलरशिप योजना के रूप में कलिया कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम के एक नए अंग की घोषणा की है। नवीन पटनायक ने ये कहा है कि कलिया के लाभार्थियों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलिया छात्रवृत्ति प्रोग्राम के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कलिया लाभार्थियों के बच्चों का सारा शैक्षिक व्यय वहन करेगी, जो कि मेरिट बेसिस पे गवर्नमेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं पेज 5 पे, 3 गोल्डन क्राउन्स मिसिंग फ्रॉम गोविंदराज स्वामी टेम्पल। तिरुपति के श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर में 3 सोने के मुकुट गायब होने के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जवाहरातों की इस चोरी ने खलबली इसलिए मचा दी है क्योंकि तिरुपति शहर के बीचों बीच आया हुआ ये मंदिर हमेशा भीड़ से भरा रहता है और किसी भी चोर के वो जवाहरात छुपाने की गुंजाइश बहुत ही कम रह जाती है। अगर इन तीनों मुकुटों का कंबाइंड वजन देखा जाए तो वो है 1300 ग्राम। तीनों मुकुट 1300 ग्राम सोने से बने हुए थे। अब आते हैं पेज 7 पे, जहां हमारी अगली खबर है, विलेज स्कूल इन महाराष्ट्र वेलकम्स एलेक्सा टीचर। महाराष्ट्र के बदनेरा नगर में वरुड़ा की एक स्कूल में क्लास 1 से 4 तक पढ़ रहे 42 बच्चों के लिए 3 शिक्षक है। ऐसे एक समान स्कूल के लिए ये रेशियो 2 शिक्षक ही हो सकता है। वरुड़ा में शिक्षक अमोल भुयर और हेडमिस्ट्रेस सुषमा कापसे के अलावा अब एलेक्सा भी है। इस मराठी मीडियम संस्था में अमेज़न की वर्चुअल असिस्टेंट तीसरी शिक्षिका है। इस एक बार की निवेश लागत को मिस कापसे के साथ बांटते हुए मिस्टर भुयर ने अमेज़न के उस इको डिवाइस के आसपास एक मैनिक्विन बना दिया है, जिसकी वजह से एलेक्सा को एक चेहरा दे दिया गया है। इस जगह में धीमी इंटरनेट स्पीड के बावजूद छात्र छात्राएं एलेक्सा से अंग्रेजी में बात करते हैं और अब मैथ्स, पोएम्स, जनरल नॉलेज, मौसम की जानकारी और काफी कुछ एलेक्सा से सीख रहे हैं। पेज 11 पे अगली खबर है, NIA क्वेश्चंस कपल वाया व्हाट्सएप। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने एक भारतीय कपल को, जो कि
हाल ही में यमन में है, उनसे व्हाट्सएप मैसेजिंग के जरिए पूछताछ की। ये कपल शिरीन शाहाना और फजल मुस्तफा, जिन्होंने कथित तौर पर हदिया, जिसका पूर्व नाम था अखिला अशोकन, एक होम्योपैथी की छात्रा केरल से, उसे इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए राजी किया था। 2016 में हदिया के पिता केरल हाई कोर्ट गए थे और ये कहा था कि उनकी बेटी को रेडिकलाइज किया गया है और जबरदस्ती उसकी शादी एक मुस्लिम आदमी से की गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये शादी रद्द कर दी थी, जिसके बाद हदिया के पति शफीन जहां सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हदिया की शादी 8 मार्च को फिर से बहाल कर दी थी, लेकिन एनआईए को ये भी अनुमति दी थी कि वो अपनी जांच जारी रख सकते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इस मामले में कोई अपराधिता शामिल तो नहीं है। हम आते हैं आखिरी पन्ने पे, जहां हमारी खबर है इंकजेट सोलार पैनल्स सेट टू रीशेप ग्रीन एनर्जी। 36 साल की एक पॉलिश फिजिसिस्ट और बिजनेस वुमेन ओल्गा मेलिनक्यूज ने पेरोस्काइट्स के लिए एक नोवेल इंकजेट प्रोसेसिंग मेथड डेवलप किया है, जो कि सस्ते सोलार सेल की एक नई पीढ़ी है, एक न्यू जनरेशन है, जिससे कि अब कम तापमान में भी सोलार पैनल उत्पादित किए जा सकते हैं। इस प्रकार इसकी कीमत तेजी से कम हो जाएगी। इस मिनरल से कोट किए गए सोलार पैनल बहुत ही हल्के, लचीले, कुशल और सस्ते होते हैं। उन्हें किसी भी सतह पे बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, चाहे वो लैपटॉप हो, कार हो, ड्रोन हो, स्पेसक्राफ्ट हो या कोई बिल्डिंग हो, ताकि उनसे बिजली का उत्पादन किया जा सके। और ये छांव में और भीतरी जगहों पर भी लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारे आज के मुख्य सुर्खियों का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।